नमस्कार दर्शक बंधु कुकुई थियोली चैनल को आपण मानक स्वागत। आज आम रेड चिली सॉस बनवा तेल चलतु तापाई आवश्यक सामग्री गुड़ी को देखने रेड चिली सॉस करने छः ग्राम रेड चिली लेंबू विनेगर गोटे कप पानी दुई चमच धनिया पाउडर दुई चमच जीरा पाउडर दुई चमच चीनी दुई इंच अदा को ग्रेड कर नहीं आवश्यकता अनुसार लुण दुई चमच रिफाइंड तेल दुईटा टमाटो एवं चलते आम रेसीपी स्टार्ट कर रेसीपी स्टार्ट करने धोक रखि लंका को आम छोट छोट टुकड़ा कर लंका काटिले हाथ पोड़ थाए आप गोटे जरी ग्लोवस यूज करेंगे ग्लोवस यूज करेंगे आप छुरी कि कंची में लंका को काटिपर एमती कर सबुतक लंका को काटि नवा मुझे लंका को सब छोट छोट टुकड़ा कर चलत आम लंका को सीझे ना लंका को सीझे पैन में दुई चमच तेल दे तेल को गरम कर गरम हो गला आम चॉप कर रखि अदा को देद ब्राउन कलर हेला पर्यंत आम भाजी नवा देखो अदा आम भाजी ब्राउन कलर हो गला आम से काटिक रखि कंचा लंका को देद स्वाद अनुसार लुण देद पानी को देद भलिया दस मिनट आम गरम दे सीझे ना दस मिनट हो गला चलो तो देखा लंका सीझला कि ना देखु लंकार कलर मध्य चेंज हो गई लंका सीझी भी जाइए एवं यहाँ को आम थंडा कर ग्राइंडिंग करना बर्तमान आम लंका थंडा हो गला आम ग्राइंडिंग करने लंका को ग्राइंडिंग जार रे देद लंका को आम दुई थर कर पेशा गोटे थर पर मुझे लंका नहीं हाफ कप विनेगर देखिए आम गोटे फाइन पेस्ट बन देखते ग्राइंडिंग कर बर्तमान बड़का थिबा लंका को मध्य एंती करी आमे पेसी नो आ बड़का थिबा लंका को मध्य मु पेसी नै छी बर्तमान आमे टमाटो को काटी की प्यूरी बने टमाटो प्यूरी मध्य प्रस्तुत हो गई छी एहा को आमे गुटे बाउल को बाहर करू चलतु एवं पैन में दुई चमच तेल दे तेल को गरम कर नवा गरम हो गला दुई पिंच हिंगु दे रखि टमाटो प्यूरी को देद दुई मिनट टमाटो प्यूरी को आम फुटे नवा बर्तमान फुटी आसला एवं से चीनी को देद टमाटो सह चीनी को भल भाव चीनी आ टमाटो आम भले फुटी आसला एवं से पेस्ट कर रखि लंका को देद भल भाव आम गोल पानी अंश एखिया पर्यटन यहाँ आम कुक कर नवा बर्तमान आम ए दुई चमच जीरा गुंड को देद दुई चमच धनिया गुंड को देद
ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ରେଡ୍ ଚିଲି ସସ୍। ଏହାକୁ ଫୁଟେଇବା ସମୟରେ ଆପଣ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ରଖି ଫୁଟେଇବେ, କାହିଁକିନା ଫୁଟେଇବା ସମୟରେ ଏହା ବହୁତ ଛିଟକି ଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସସ୍କୁ ଆମେ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଥଣ୍ଡା ହେବା ପରେ ଏହାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ କାଚ ବୋତଲରେ ରଖିନେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ରେଡ୍ ଚିଲି ସସ୍ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି, ଏବେ ଆମେ ଏହାକୁ ଗୋଟେ କାଚ ବୋତଲରେ ପୁରେଇ ନେବା। ଏମିତି କରି ଆମେ ସବୁତକ ରେଡ୍ ଚିଲି ସସ୍କୁ ବୋତଲରେ ପୁରେଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏମିତି ବୋତଲରେ ଏହାକୁ ପୁରେଇ ନେଇଛି। ଏହାକୁ ଆପଣ ଫ୍ରିଜ୍ରେ 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ରେଡ୍ ଚିଲି ସସ୍ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଟଚ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାହାକି ଆଗକୁ ଥିବା ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମିଳିପାରିବ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।